जय गुरुदेव, जय माँ शंभो महादेव, सना भवतु। स्वागत आपका फिर से प्रिय जबल उपनिषद में। उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ सना भवतु की ही कामना कर दी है प्रश्न समूह पर। अब शास्त्र प्रिय जबल उपनिषद पर चलते हैं। शक्ति की चमक जो है वो दो प्रकार की होती है, सूर्य की और अग्नि की। उसी प्रकार से अमृत सोम भी पूर्ण तेज और गर्मी से भरा हुआ है। तेज ने, अग्नि ने अलग अलग स्वरूप धारण किए अपने वाहन के हिसाब से, और इसी वजह से भस्म ही स्थिर है, सबकी आत्मा बना हुआ, सबके आत्मा का चिन्ह। जो भी आकार स्वरूप में आता है उसके वाहनों के अनुसार भीतर और बाहर। ये बहुत ही गहरी बात है, इसको ठीक से समझना जीवन में एक परिवर्तन ले आएगा। कोई भी वस्तु की शक्ति हम उसकी चमक से पहचानते हैं। जिन लोगों ने आभा का क्लास किया उनको पता है, पहले वीडियो भी जिन्होंने ध्यान से देखे हैं तिलक वगैरह के बारे में उनको भी पता है। तो चमक क्या है? चमक जीवन है, और जिसमें अगर हम देखें वेद में प्रजापति के दो हिस्से बताया है, एक नर एक नारी, एक जीवंत एक मृत। मृत जो है उसमें चमक नहीं है, जो जीवंत है उसमें चमक भी है और हलचल भी है, और ये दोनों सम मात्रा में है। वही तंत्र कहता है शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर, ये दोनों सम मात्रा में है। और जो चमकता हिस्सा है उसे ऊर्जा कहते हैं, और जो चमकता नहीं है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मृत है, ऊर्जा जीवित है, इसके लिए चलते रहती है और बदलते रहती है। लेकिन मोक्ष उसे कहते हैं जब तुम वो स्थिति में आ जाओ जहां पे तुम शाश्वत हो। शाश्वत का अर्थ है जो कभी बदलता नहीं है। तो शाश्वत बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा स्वरूप बनना होगा, अर्थात भस्म स्वरूप बनना होगा, शाश्वत जो कभी बदले नहीं। लेकिन उसी भस्म में अगर जल मिला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो वो भी चमकने लगती है और वो भी आकार ले लेती है, स्वरूप ले लेती है। फिर उस आकार के हिसाब से हमने भविष्यवाणी की थी अगर आपको याद है। तो आकार जो है ये बदलते रहते हैं, क्योंकि तेज अग्नि चलते रहती है। और तेज खाली अग्नि और सूर्य, मतलब वायु और सूर्य में नहीं है, तेज जल में भी है, क्योंकि जल बना है तेज तत्व से। जल तो एकदम शीतल है, उसमें तेज कहां से हो सकता है? लेकिन जो जितना जितना सबसे शीतल जल, और इसीलिए सबसे गर्म, जो सबसे ठंडा है वो सबसे गर्म है, ये याद रखना। जैसे जैसे उसकी गर्मी कम होती है जल अपना प्रभाव छोड़ने लगता है और साथ ही साथ अपनी चमक। जल सबसे ठंडा है इसीलिए अग्नि की तरह चमकता है, और इतना चमकता है कि पारदर्शी है। और अग्नि तेज ने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं, जल ने भी अलग अलग स्वरूप धारण किए, वैसे भस्म भी अलग स्वरूप धारण करता है, लेकिन केवल और केवल तभी कर पाता है जब उसका मिलन अग्नि और जल से होता है, वरना नहीं। पांच मूल तत्व है आकाश और भस्म, पृथ्वी तत्व, ये स्थिर है, अचर है, शाश्वत है, और तेज वायु और जल ये चर है। चल जीवन का नाम है, तेज का नाम है, जलने का नाम है, मुसीबत का नाम है, और समझते हैं इसको। सूर्य, अग्नि, जल, ये तीनों चमकते हैं। वायु का प्रतीक कहा है, वायु भी चमकता है, भस्म भी चमकता है,
अगर उसमें जल मिला दिया जाए, हमने इसके बारे में जाना है, ये वीडियो में हमने सीखा है, तो रोशनी चमकती है, ये जीवन का एक फलसफा है कि रोशनी जो है वो जीवन है, वो सुख है, वो हल्कापन है, वो ऊर्जा है, वो सब कुछ है इस जीवन के लिए। सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो टिकता है। टिकता क्यों है? क्योंकि वो चमकता है। जिसमें जितनी चमक रहेगी वो उतना लंबे समय तक टिकेगा। पुराने जमाने में हमारी दादी दादा सब्जी फल लेने जाते तब कहते कि हमारे घर में बच्चे हैं बाबा, चमकने वाले फल और सब्जी लो। अभी आजकल तो सब घोटाला हो गया है, सारी वांगियां, सारे सब्जियां, सारे फल मोम से और केमिकल से चमकाए जाते हैं और पकाए जाते हैं। हनुमान जी की माता ने उनको डांटा था क्योंकि हनुमान जी ने कुछ वानर बच्चों को लेकर पेट में से कच्चे फल खा लिए और सबके पेट दुखने लगे, हनुमान जी का भी। तो माँ ने कहा कि कच्चा फल खाने से पेट में दर्द होता है। हनुमान जी ने कहा तो बताओ पक्का फल कैसे पहचानूं कि कौन सा फल पक्का है कौन सा कच्चा है? तो माँ ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जो चमकता है वो पक्का है, जो नहीं चमकता है वो कच्चा है या सड़ा हुआ है। कच्चा या सड़ा हुआ खाने से पेट में दर्द होगा, तुम हजम नहीं कर पाओगे और उससे तुमको कोई फायदा कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने देखा कि पेड़ के पत्तों के पीछे एक फल सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो खा लूं। वो सूर्य भगवान थे, कहा है ना सूर्य अग्नि जल आप सोम ये सब चमकते हैं। वो कूद गए और उन्होंने सूर्य को निगल दिया। जिसमें तेज है, रोशनी है, और हमें भी हमने सिखाया है, उसमें पूर्ण जीवन भरा हुआ है। जितना तेज उतना उसके अंदर प्राण भरे हुए हैं। जितना तेज उतना उसके अंदर जीवन शक्ति है। सूर्य अग्नि जल ये जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जीवन वो बनाते हैं, उसे संभालते हैं, चलाते हैं और साथ ही साथ में जीवन को नया स्वरूप नया रूप भी देते हैं। लेकिन चर है मतलब उनकी स्वरूप बदलते रहते हैं। इसीलिए जो लोग जीवन से भरे हुए हैं उनके चेहरे पे चमक होती है और ये चमक वो तुमको भी प्रदान करवा सकते हैं अगर तुम उनके संगत में आए तो। आग जहां होती है उसको जो छू लेगा आग दूसरे को भी लग जाएगी। हमने देखा कैसे भस्म और को पानी और रोशनी से सुखाने से भस्म चमकने लगी। एक सूफी कहानी बहुत सुंदर है। सूर्य परेशान थे क्योंकि हमेशा जलते रहते थे पर फिर भी चमकते थे और गुफा परेशान थी क्योंकि वो अंधकार में डूबी हुई थी और हमेशा गुफा जो है शिकायत करती। एक दिन सूर्य और गुफा की बातचीत हुई। सूर्य ने कहा कैसे हो? गुफा ने कहा बहुत परेशान हूं, अंधकार में डूबी हुई हूं, बहुत परेशानी है। सूर्य ने कहा अंधकार मतलब क्या? मुझे नहीं पता। तो गुफा ने कहा मैं आती हूं क्योंकि मुझे रोशनी क्या है ये पता नहीं, मुझे तुमको मिलके रोशनी देखनी है। सूर्य ने कहा आ जाओ। जब गुफा ऊपर गई गुफा ने कहा कि अरे वाह तुम तो चमकदार और बहुत ही उत्तम हो पर फिर भी जल रहे हो, मुझे भी जलन महसूस हो रही है तुम्हारी। तो सूर्य ने कहा चमकना है तो जलना तो पड़ेगा बाबा। अब गुफा ने कहा अब तुम नीचे आओ मुझे देखने के लिए, देखो अंधकार कैसा गहरा है जो मुझे छोड़ता ही नहीं। सूर्य नीचे गया, उसने गुफा में अपनी गर्दन डाल के देखा। अंदर देखते ही सूर्य की रोशनी गुफा के कण कण में फैल गई, कोने कोने में फैल गई और पूरी गुफा चमक उठी। स्वर्ग का नजारा दिखने लगा गुफा में।
तो सूर्य ने कहा कोई फर्क तो है नहीं अंधेरे में और उजाले में, मुझे तो यहाँ पे वैसा ही दिख रहा है जैसा मेरे आसपास है, क्योंकि सूर्य के आने पर अंधेरा टिका नहीं रह पाया, अंधेरा वहां से पलायन कर गया, अंधेरे का नाश हो गया। सूर्य अपनी रोशनी अपने साथ लेकर चला, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पता चला। पुराने धर्म शास्त्र में और पुरानी किताबों में सारे धर्मों की ये कहा गया है कि जो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है उस व्यक्ति को पाप नहीं लगता, उसे राजा ने दंडित नहीं करना चाहिए, कारावास नहीं देना चाहिए। जो जीवन मृत्यु से मुक्त हो गया उसको कारावास क्या बांधेगा? जो अपना सूर्य स्वयं है उसको कौन सा पाप अंधकार में ढकलेगा? मोक्ष से कहते हैं कि जब आप अपना स्वर्ग अपना सूर्य अपने कंधे पे उठा के चलते हो। मोक्ष से कहते हैं कि अंधकार आपको छू भी ना पाए। पूर्ण अंधकार मोक्ष है जैसे मैंने पहले कहा, या पूर्ण रोशनी बन जाना, कण कण आपका रोशनी बन जाए, आप सब जगह फैलने वाला वो उजाला बन जाओ तो भी आपका चलना असंभव होगा, हिलना चर होना असंभव होगा, क्योंकि आप सब जगह हो, आप जाओगे किधर, कोई जगह है ही नहीं। उसे भी मोक्ष कहते हैं। हम समझते हैं स्वर्ग या नर्क कोई जगह है, पर कोई जगह नहीं है, मनोस्थिति है। नर्क से बचना है और अपने स्वर्ग का स्वयं निर्माण करना है। यदि आप अंधकार से भरे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को जाके, ऐसे गुरु को जाके मिले जो रोशनी का प्रतीक है। अंधकार नकारात्मकता है, आपका क्रोध है, आपका अहंकार है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, संशय, विश्वास ना करना, आप गुफा बन जाते हो जाने अनजाने। कभी कोई गुरु से मिलो जो सूर्य का प्रतीक है, जो सत्य का मोक्ष का प्रतीक है, और अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ। कितना भी पैसा बना लो आप, कितनी भी यश कीर्ति प्राप्त कर लो, लेकिन अंदर से भीतर से खाली और खोल रहोगे अगर रोशनी ने आपको नहीं छुआ, सूर्य ने, गुरु ने आपको नहीं छुआ। और आप अगर रोशन हो तो दूसरों को रोशन करो, नहीं हो तो एक गुरु की खोज करो। और अगर रोशन हो तो कोई भी गुफा कितनी भी अंधकार हो घुस जाओ, उसमें रोशनी चमका दोगे। अंधकार भले ही करोड़ों वर्ष पुराना हो, लेकिन एक गुरु एक रोशनी की, एक छोटे से दिए की इतनी शक्ति होती है कि करोड़ों वर्ष पुराने अंधकार को, अहंकार को, क्रोध को, संशय को मिटा दे। तो घुस जाना हर गुफा में जहां अंधकार हो, अगर अपने आप को रोशनी आप पाते हो। और आपके आशीर्वाद से, आपके सिर्फ होने से हर अंधकार रोशनी में परिवर्तित हो जाएगा, हर पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, हर स्थिति में आनंद प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए जलना होगा, अपना स्वर्ग अपने कंधे पे उठाना होगा। और याद रखना गुफा बहुत है, सूर्य एक, अंधकार में फंसे लोग बहुत है, मोक्ष प्राप्त किए हुए गुरु बहुत कम। कोई भी कीमत से उनको छोड़ना मत, कोई भी कीमत में उनको त्यागना मत। वो सूर्य की तरह कुछ ही होते हैं और अंधकार भरे लोग अनेकों अनेक। जो आपके संपर्क में आया है उसे रोशन करो,
और आप अंधकार में हो तो रोशनी वाले व्यक्ति को जाके उसे उनके सानिध्य में बैठो, सत्संग सुनो, उनके वीडियो देखो, आप ऐसे ही चमक जाओगे। नहीं चमके तो उस व्यक्ति की रोशनी उसकी खुद की नहीं है, वो उसके लिए दृष्टि कभी नहीं बनेगी, ना ही आपके लिए दृष्टि बनेगी। वो उसकी रोशनी ना होने के कारण उसको भी चकाचौन अंधकार में डाल देगी, उसकी आंखें बंद कर देगी और आपकी भी, और आपके जीवन में परिवर्तन आया है तो समझ लो उस व्यक्ति के भीतर रोशनी है, वो रोशनी का स्रोत है, उसको बार बार मिलो, उसके रोशनी को, उसके अमृत को बार बार पियो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और जो आपके जीवन में आते हैं उनके भी जीवन को सफल बनाओ, उनके भी जीवन में रोशनी फैलाओ, तो आप करेंगे ये, सबके जीवन में रोशनी लाएंगे, सबके साथ इस चित्रपट को साझा करेंगे। कौन कौन करेगा इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए, कमेंट करिए, है ना, बहुत अच्छा। प्रश्न समूह पर लिखें, रोशनी फैलाओ, तेज फैलाओ, ज्ञान फैलाओ, सुख फैलाओ, और इससे आपके निजी जीवन में भी सुख, ज्ञान और रोशनी ज्यादा बढ़ेगी। रोशनी बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है, और अनंत हो जाएगी आपकी रोशनी, आपका सुख, जिसे मोक्ष कहते हैं, बांटने से और केवल बांटने से। तो सबको इस मार्ग पे लाओ। और फिर आगे का सूत्र कि अग्नि अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने वाहनों के हिसाब से स्वरूप बदलता है, और भस्म भी अपनी आत्मा के हिसाब से भीतर और बाहर स्वरूप बदली करता है। भस्म स्वयं आत्मा स्वरूप है। अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए समझना है, तो इसको बाद में कभी समझेंगे, है ना। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न समूह पर पूछ सकते हैं, और या तो फिर आप अपने आचार्य से कहो कि खास दिन रखे, एक हम वर्चुअल क्लास करेंगे, आभासी कक्षा करेंगे, जिसमें हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे आज विश्राम करेंगे। हरिओम तत्सत।